हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो जो मैंने बनाया है आज, ये बनाया है एक्रेलिक पेंटिंग बिगनर्स के लिए। इसके अंदर मैं एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड बिगनर्स के लिए टिप्स शेयर करने वाली हूँ। एक्रेलिक पेंटिंग जो मीडियम है, ये बहुत ही कन्वीनियंट मीडियम है अगर हम काम करते हैं तो। और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि बहुत फॉरगिविंग है। मैं शुरू से बोलती आई हूँ, अगर आपने मेरे वीडियोस में सुना हो तो। ये हमको हमारी जो हमारी मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करने का मौका देता है, बिकॉज पहली लेयर ड्राई हो जाएगी तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर दूसरी लेयर से वर्क कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि हम काम करते करते ही ये ड्राई हो जाता है। तो दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड। यहाँ मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी, और ये जो वीडियो है ये बिगनर्स के लिए है। देखिए, तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ब्रशेस। सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आप लोगों को कि हम किस तरह से ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं जब हम एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं। तो देखिए, एक्रेलिक पेंटिंग के लिए जो कन्वीनियंट ब्रशेस रेंज होती है वो है फ्लैट ब्रशेस। और तो इस तरह से फ्लैट ब्रशेस हम यूज़ कर सकते हैं जब हम एक्रेलिक पेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगते हैं फ्लैट ब्रशेस एक्रेलिक पेंटिंग के लिए। और इसके अलावा ये फिल्बर्ट ब्रशेस बहुत अच्छे रहते हैं। इस तरह से राउंड होता है इनका, और ये फिल्बर्ट ब्रशेस बहुत ही अमेजिंग रहते हैं जब हम एक्रेलिक पेंट्स करते हैं तो। क्योंकि एक्रेलिक पेंट्स के अंदर है ना ब्लेंडिंग करनी होती है फटाफट से हमको, तो ये वाले जो ब्रशेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग होते हैं। इसके अलावा जो लाइनर ब्रशेस होते हैं वो डिटेलिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। जैसे सपोज ये वाले जो लाइनर ब्रशेस हैं ये डिटेलिंग के लिए काफ़ी ही अमेजिंग रहते हैं। तो इस तरह के लाइनर ब्रशेस हम यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक पेंटिंग में डिटेलिंग देने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ब्रशेस की। ब्रशेस के रिगार्डिंग एक और टिप शेयर करना चाहूँगी मैं आप लोगों को। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे ब्रशेस को वाटर के अंदर डिप छोड़ देते हैं। सपोज हमने हमारे ब्रश को वाटर के अंदर डिप छोड़ दिया, ऐसे करके हमने काम करा और उसको ऐसे करके डिप छोड़ दिया। अब जब हम इसके अंदर डिप छोड़ देंगे और ये जो है ब्रिसल्स, अगर हम फटाफट से इसको क्लीन करके निकालेंगे नहीं तो इसके ब्रिसल्स डैमेज हो जाएंगे, इसके ब्रिसल्स निकलने लग जाएंगे। तो बस आप ऐसे करके क्लीन करिए वाटर में, और उसके बाद इसको बस ऐसे करके क्लीन करके एक बार क्लॉथ के ऊपर रख दें, जिससे ये एकदम से इसका जो रहेगा ब्रिसल्स हार्म नहीं होंगे। क्योंकि ब्रिसल्स को बहुत अच्छे से रखना हमारा हमारी ड्यूटी बनती है जब हम इतनी पेंटिंग करते हैं तो। हमारे ब्रशेस अच्छे रहने चाहिए। तो ये एक छोटा सा टिप था जो बिगनर्स अगर फॉलो करेंगे तो उनके ब्रशेस हरदम बहुत ही अमेजिंग रहेंगे। ठीक है, अच्छा, कैनवस के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। तो कैनवस के रिगार्डिंग, वैसे देखिए मेरे इसके ऊपर चैनल पर एक पूरा प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है, लेकिन कैनवस के रिगार्डिंग मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट में आता है कि मैम एक्रेलिक पेंटिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाएं, टिप्स शेयर करें। तो इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। तो कैनवस जो है, हम कैनवस बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और कैनवस जो स्ट्रेच कैनवस होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक पेंटिंग के लिए। इसके अलावा एक्रेलिक पेंटिंग के अंदर हम जो एक्रेलिक पैड होता है, मतलब कागज़ आता है, पैड शीट आती है एक्रेलिक पेंटिंग की, मटेरियल सारा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं मटेरियल को, और बाय भी कर सकते हैं। अफिलिएटेड लिंक रहते हैं नीचे मेरे वीडियोज़ के नीचे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स रहते हैं। तो कैनवस हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये जो कैनवस होते हैं, ये वाला कैनवस हम यूज़ कर सकते हैं कैनवस बोर्ड। और इसके अलावा हम स्ट्रेच कैनवस भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैनवस बोर्ड जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी वो ये वाले कैनवस बोर्ड हैं। ये वाले कैनवस बोर्ड यहाँ से पतले होते हैं, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है अगर हम बिगनर हैं तो। अब इस तरह के कैनवस बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। कैनवस बोर्ड के लिए भी मैंने एक मेकिंग का वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर। तो जो हैंडमेड आप घर पर बना सकते हैं कैनवस बोर्ड, वो आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ते हैं रेट में, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस करते हैं हम इस तरह से कैनवस बोर्ड घर पर बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही इकोनॉमिक पड़ते हैं कैनवस बोर्ड। इसके अलावा हम स्ट्रेच कैनवस यूज़ कर सकते हैं। ये वाले देखिए, पीछे से इस तरह से रहता है, ये राउंड है ये कैनवस मेरे पास, और इस तरह से ये स्टिच होता है कैनवस। और ये इस तरह के कैनवस भी हम यूज़ कर सकते हैं जब हम एक्रेलिक पेंटिंग कर रहे हैं। जैसे ये वाली एक्रेलिक पेंटिंग मैंने सिखाई थी डेमो मेरे वीडियोस के अंदर, तो इसमें मैंने जो यूज़ किया था वो ये स्ट्रेच कैनवस यहाँ पे यूज़ किया था मैंने। तो इस तरह से स्ट्रेच कैनवस भी हम यूज़ कर सकते हैं जब हम एक्रेलिक पेंटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हम ये जो एक्रेलिक पैड की मैंने बात करी थी, तो इस तरह से ये जो एक्रेलिक पैड है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बिगनर प्रैक्टिस करने के लिए हमारी एक्रेलिक पेंटिंग के लिए। तो ये जो बात करी मैंने कैनवस की,
अब हम जो कैनवस होता है वो देखिए वुडन सरफेस पे भी आता है, और इसके अलावा जो वुडन सरफेस होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं हमारी एक्रेलिक पेंटिंग के लिए। इस तरह से वुडन सरफेस आते हैं, और ये वुडन सरफेस बहुत ही अच्छे रहते हैं एक्रेलिक पेंटिंग के लिए। ये होल्डर देखिए लगा हुआ है, ये अमेजोन से बाय किया था मैंने। इस तरह से वुडन सरफेस आते हैं जो हम जिस पर हम हमारी एक्रेलिक पेंटिंग कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे रहते हैं ये, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं ये एक्रेलिक पेंटिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पेंट्स के बारे में कि किस तरह के पेंट्स यूज़ करेंगे हम जो हम एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं। वैसे देखिए एक्रेलिक पेंटिंग के रिगार्डिंग मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को एक वीडियो अवेलेबल कराया हुआ है मेरे चैनल पर, जो एक्रेलिक पेंटिंग मटेरियल डिस्क्राइब करता है बहुत ही डिटेल के अंदर। तो अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए कुछ पेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यहाँ पर, शॉर्ट साइज वीडियो बना रही हूँ मैं यहाँ पर, तो आप लोगों को डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट हाँ एक बार आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देख लेंगे। तो जो पेंट्स होते हैं देखिए, छोटे वाले पेंट्स जो आते हैं वो ये आते हैं साइज में, ये छोटे पेंट्स आते हैं साइज में, है ना, ट्यूब पेंट्स हैं ये, और इसी की बड़ी वाली ट्यूब्स अवेलेबल रहती है मार्केट के अंदर इस तरह से। तो ये तो बड़ी ट्यूब्स हो गई, ये वाली बड़ी ट्यूब्स हो गई और छोटी ट्यूब्स हो गई। इसके अलावा इस तरह से बड़ी ट्यूब्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं एक्रेलिक पेंटिंग के लिए। तो जैसे व्हाइट कलर जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसमें हम इस तरह से बड़ी ट्यूब्स मंगा कर यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक पेंटिंग में। वैसे ही वाली जो लिक्विडिक बेसिक्स होते हैं ये बहुत ही मतलब अच्छी रेंज के कलर हैं ये, पेंट्स हैं ये। तो बेसिक जो बिगनर्स होंगे मैं उनको नहीं सजेस्ट करूंगी कि ये वाले पेंट्स बाय करें, लेकिन अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं वर्क का, तो डेफिनेटली आप लिक्विटिक्स बेसिक्स के ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा लिक्विटिक्स बेसिक्स के ऊपर एक मेरा रिव्यू वीडियो भी है, तो अगर आप देखना चाहें तो आप नीचे जाके लिंक में देख सकते हैं वो वीडियो। इस तरह से बॉटल्स आती हैं जो बहुत ही नॉर्मली इजीली अवेलेबल है हमारे मार्केट के अंदर, इजीली शॉप्स आर्ट शॉप्स पर अवेलेबल रहती हैं ये वाली बॉटल्स, तो ये बॉटल्स भी बहुत कन्वीनियंट रहती हैं। ये जो बॉटल्स होती है इनका जो पेंट का कंसिस्टेंसी होती है ये थोड़ी सी लिक्विड ज़्यादा होती हैं, और ट्यूब की कंसिस्टेंसी उसमें वाटर कम ऐड होता है, उसमें उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है। तो ये तो हो गई पेंट्स के बारे में बात। अब हमको जो चाहिए रहता है वो चाहिए रहता है इजेल। जब भी हम पेंटिंग बनाते हैं तो हमको कुछ उसके लिए सरफेस चाहिए रहता है, जिस सरफेस पे हम उसको लगाकर हमारे कैनवस को हम हमारी पेंटिंग बना सकें। क्योंकि जब भी हम पेंटिंग को स्टैंडिंग फॉर्म में बनाते हैं उसका फॉर्मेट हमको अलग नज़र आता है, और जब हम उसको ऐसे टेबल पर रख कर बनाते हैं तो उसके हमको थोड़े से अलग वो नज़र आते हैं, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन से जब हम हमारा वर्क देखते हैं तो हमको उसके अंदर डिफरेंट नज़र आता है। तो इस वजह से इजेल्स के ऊपर वर्क करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो शुरू से आदत डालिए कि इजेल्स पर वर्क करें, क्योंकि एक बार आप आदत डाल लेंगे ना कि टेबल पे वर्क करने लगेंगे तो आपको इजेल्स पर वर्क करना नहीं आएगा, बिकॉज आपका जो ब्रश है वो इजेल्स के लिए नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं कुछ इजेल्स यहाँ पर दिखाने वाली हूँ शॉर्ट में। देखिए ये छोटा इजेल है, ये इजेल छोटे कैनवसेस के लिए है और यहाँ से एडजस्ट भी हो जाता है ये, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका कैनवस जो है इसके अंदर अच्छे से अटैच हो रहा है या नहीं। अगर आपका कैनवस इसके अंदर अटैच नहीं हो रहा है तो आप जब पेंटिंग करोगे तो आपको पुश होगा और वो हिलेगा बार बार, और हिलने की वजह से जो आपका जो है फोकस वो ब्रेक होगा और आपकी पेंटिंग में आपको रुकावटें आ सकती हैं। तो इस तरह से कुछ कैनवसेस हैं मेरे पास बड़े कैनवसेस भी अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं क्लासेस लेती हूँ तो मैं सब तरह के कैनवसेस रखती हूँ और खुद वर्क भी करती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास कैनवसेस हैं। तो ये देखिए हैवी कैनवस है ये, तो जब भी हम इस पे काम करते हैं तो ये पुश नहीं करता है, रोक लेता है कैनवस को और ब्रश के प्रेशर को भी रोक लेता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपने कैनवस बाय कर लिया है और वो कैनवस लाइट वेट आ गया है, जैसे ये वाला जो मेरा कैनवस था ये बहुत लाइट वेट आ गया था, ठीक है। तो ये जो कैनवस है मेरा लाइट वेट, हालांकि इन्होंने ये स्ट्रिंग दे रखा है इसको रोकने के लिए, ये जो मेरा कैनवस था ये बहुत लाइट वेट आ गया था, तो मैं क्या करती हूँ इसके पीछे कुछ भी हैवी वेट लगा देती हूँ, जिससे जब भी कैनवस पे हम काम करते हैं तो हमारा कैनवस पुश नहीं होता है पीछे की तरफ और हम इजिली उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ कैनवसेस, बहुत ही छोटी सी रेंज मैंने यहाँ कैनवसेस की आप लोगों के साथ शेयर करी। इसके अलावा बड़े बड़े कैनवसेस भी आते हैं, तो मौका पड़ेगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कैनवसेस के ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं अपना कैनवस का कलेक्शन दिखाती हूँ आपको। मेरे पास काफ़ी अच्छा बड़ा रेंज का कैनवस का कलेक्शन है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी।
ठीक है, तो ये तो हमने जो बात करी, ये बात सॉरी कैनवस इजेल्स की बात करी है हमने, और अभी जो मैं बात कर रही थी वो भी इजेल्स की कर रही थी, ठीक है, तो सॉरी अगर गलती से कैनवस वर्ड यूज़ हुआ हो इजेल की जगह तो, ठीक है, तो यहाँ जो बात करी मैंने वो करी मैंने इजेल्स के बारे में। चलिए अब जो इम्पॉर्टेंट होता है वो है पैलेट, ठीक है, पैलेट हम किस तरह से चॉइस करें अगर हम एक्रेलिक पेंटिंग कर रहे हैं तो। एक्रेलिक पेंटिंग में मैं आप लोगों को कहूँगी कि सेक्शंस वाली पैलेट थोड़ी सी अवॉइड करें, जिसमें सेक्शंस बने रहते हैं उन पैलेट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि वो क्लीन नहीं होंगी। अगर एक बार पेंट जम जाता है ना, फिर आपको उसको स्क्रैच कर करके निकालेंगे तो भी वो परफेक्टली क्लीन नहीं होंगी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है बात के लिए। तो सेक्शन वाली पैलेट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। घर में से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल जो घर की प्लेट होती है वो यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा यूज़ एंड थ्रो वाली जो प्लास्टिक की प्लेट्स होती है वो यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहते हैं आप तो ऐसे में क्या करें, आप जो पेपर प्लेट्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल घर की प्लेट होती है उस पर हम सेलोफेन लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उस पर फॉइल पेपर लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे वाले और एकदम अच्छे वाले टिप्स हैं जो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं, हाँ, और हमको पैलेट भी नहीं बाय करनी पड़ेगी और ये लेस एक्सपेंसिव भी रहते हैं, है ना। तो कुछ पैलेट्स यहाँ पे देखिए, फ्लैट सरफेस वाली जो मैं यहाँ यूज़ करती हूँ ये वाली है एक तो फ्लैट सरफेस वाली पैलेट, और इसके अलावा जो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ वो ये वाली पैलेट है। ये देखिए ये फ्लैट सरफेस की पैलेट है, ये मैं यूज़ करती हूँ। मैं अपने एक्रेलिक पेंट्स के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, कई बार वाटर कलर के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, और ये मुझे ऑयल पेंट्स के लिए भी बहुत कन्वीनियंट लगती है। और ईजी क्या है इस पैलेट को क्लीन करना, मैंने वैसे वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पर पैलेट्स को क्लीन करने के लिए। बहुत ईजीली आप पैलेट्स को क्लीन कर सकते हैं इससे नाइफ से, और इनको केवल आपको स्क्रैच करना है पेंट्स को और आपको क्लीन कर लेना है। इस तरह से स्क्रैच करेंगे जब आप पेंट को तो ये क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो टिप्स थे, ये टिप्स मैंने शेयर करे एक्रेलिक पेंटिंग के रिगार्डिंग। तो अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग बिगनर हैं और आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और यहाँ मैं शेयर करती हूँ अपनी आर्ट नॉलेज बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के साथ। और बनना चाहते हैं अगर मेरी इस कम्युनिटी का हिस्सा तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा नीचे जाकर, और साथ में शेयर वीडियो, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन अगर आप नहीं दबाएंगे तो मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपलोड्स आपके पास नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्रेलिक पेंटिंग बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है मेरे चैनल पर, तो एक्रेलिक पेंटिंग बिगनर अगर आप हैं तो नीचे जाकर देखिए प्लेलिस्ट में ट्यूटोरियल्स, एक्रेलिक पेंटिंग फॉर द बिगनर ट्यूटोरियल्स देखिए और सीखिए एक्रेलिक पेंटिंग मेरे साथ। और फिर आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेजिंग से भी पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस, और अपना वर्क आप मुझे वहां पर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, तो मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी कि इसमें क्या चीज़ और होनी चाहिए, है ना। तो अगर लगता है आपको कि बेनिफिशियल रहा वीडियो तो लाइक बटन दबाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।